सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की राह पर जयपुर में हुए इलाहाबाद बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी के छठे अधिवेशन के मौके पर ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के महासचिव एससी जैन ने बताया कि 1995 में बैंकों में पेंशन योजना लागू होने के बाद अभी तक पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ है। इस मांग के समर्थन में 15 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन 1.5 लाख ज्ञापन भेजे गए। इसके साथ 150 से ज्यादा सांसदों को भी मांग पत्र सौंपे जाएंगे। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के अधिवेशन की अध्यक्षता पीसी पारिक ने की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को मेडिकल और बीमा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा, इससे सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारी वर्ग आक्रोशित हैं। आज इलाहाबाद बैंक रिटायरी एसोसिएशन का सम्मेलन यहाँ जयपुर में हो रहा है और कल 17 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंडिया रिटायरी एसोसिएशन का भी एक सम्मेलन होने वाला है। इसमें प्रदेश भर के जो भी हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं वो इसमें सब भाग ले रहे हैं और ये दोनों संगठन हमारे अखिल भारतीय संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन है और जिसकी सदस्य संख्या 3 लाख है। और जो हमारी मुख्य मांग है जिस पे अभी हमारा विचार विमर्श हो रहा है और जो रणनीति बन रही है वो है पेंशन अपडेशन, यानी कि जो पुराने लोग हैं जिनको पेंशन रिवाइज नहीं हुई पिछले 30 साल से उसको रिवाइज किया जाए और उसमें जो है वृद्धि की जाए ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन का यापन कर सके। कर्मचारियों के 11 समझौते हो चुके और उसके अंदर रिटायरीज का भी पेंशन का अपडेशन का मुद्दा लिया जाता है, परंतु टाल मटोल करके उस मुद्दे को ऐसे के ऐसे खड़ा रखा हुआ है और आज की तारीख में धीरे 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 रिटायरीज बढ़ते जा रहे हैं। मांग हमारी यह है कि इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, अगर नहीं बढ़ी तो इनके आंदोलन के साथ रेगुलर कर्मचारी भी इनके साथ आंदोलन करेंगे।